गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू प्रवीण होराइजन। आज का राइड कुछ खास है और अभी तक मेरे साथ जितने राइडर्स हैं उनका काउंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग तो अभी है, दो तीन लोग शायद और जुड़ जाए, 15 हो जाएंगे। सो टुडे वी आर अटेम्प्टिंग द 100 किलोमीटर्स, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले भी हमने बहुत बार 100 किलोमीटर कर चुके हैं, बट लेट्स सी आज कोई कैजुअलिटी ना हो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल फेल्यूर और सम अदर रीजन। सो आई एम विशिंग ऑल द राइडर्स टू लक। मिलने भी आ गए। सो फिलहाल मेरे पीछे दिख रहे संजीव है, संदीप है, अब्दुल है, मेहुल है, विबल और मैडी है मेरे पीछे, और ये साइड पे यश भी है, आपको दिखेंगे क्योंकि अभी सुबह के जय और यश सुबह के 6 बज गए और हमारी राइड शायद 10 मिनट में चालू हो जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाय। तो शायद मैं 20 किलोमीटर पे सबके एक्सपीरियंसेस लेते ही रहूँगा कि ड्यूरिंग द 100 किलोमीटर्स आपका एक्सपीरियंस कैसे हो और आपको कैसे आगे बढ़ना है धीरे धीरे खुद को हाइड्रेट करके। लेट्स सी। चेक किया तो ये हो गया। तो गाइज दिस इज द एग्जैक्ट अटायर यू शुड वेयर द फ्लोरोसेंट कलर। आप देख रहे हो सभी राइडर ने जिन्होंने भी फ्लोरोसेंट ग्रीन पहना हुआ है उनका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है रादर देन थोड़ा रेड और ये सुबह के टाइम पे। मेरा भी येलो जर्सी है बट दिस इज गिव यू अ बेटर विजिबिलिटी। सो कभी भी लॉन्ग राइड आप करते हो खास करके हाईवे पे विरार साइड अगर आप चला रहे हो सो यू शुड वेयर लाइक दिस। So yes, we have started from Daisar Cheknaga. कुछ राइडर्स आगे हैं और कुछ राइडर्स पीछे हैं। So now it is exact 6:15 AM और आज की डेट है 22 September। फाउंटेन होटल एंड ऑल्सो क्रॉस रिवर ब्रिज दैट इज वसई विरार ओवर हेड ब्रिज एंड नाउ हेडिंग टुवर्ड्स वसई। नाउ वी आर हॉल्टेड फॉर सम वाटर ब्रेक, अवर फर्स्ट वाटर ब्रेक। आगे थे और MTV थोड़ा पीछे आ रहे हैं उनको सब फॉलो करके। सो दिस इज अवर फर्स्ट 20 किलोमीटर्स हॉल्ट, सब वाटर रिफ्यूलिंग। कंटिन्यूस हाइड्रेशन करना जरूरी है अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जाते हो। टाइम टू वेयर गॉगल्स। काफ़ी धूल आ रही है, हाईवे पे चला रहे हैं, काफ़ी ट्रक जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो भी धूल मिट्टी है डस्ट है वो आंखों में जा रही है। सो इट इज़ नाउ टाइम टू वेयर गॉगल्स ग्लासेस। तो सब लोग निकल रहे हैं, लेट से मैं भी निकल जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्पीड कम है MTV के होने की वजह से। आज का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है लॉन्ग राइड के लिए, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा विंडी सिचुएशन है, हेडविंड्स है बट इट्स ओके, इतने मेजर नहीं है।
6:45 हो गए हैं और आप देख ही सकते हो कि सूर्य देवता धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। होप सो वो ज़्यादा आज ब्राइट ना हो हमारे लिए, वी आर रिक्वेस्टिंग। और विमल स्लोली ग्रेजुअली डूइंग इंक्लाइंस। देर आर मेनी ब्रिजेस इन बिटवीन विराट टोल नाका। गुड मॉर्निंग। देर आर सम अदर राइडर्स ऑल्सो विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, बट यस मॉर्निंग के टाइम पे काफी सारे लोग मिल जाते हैं आपको। काफ़ी डिफिकल्ट इंक्लाइन है ये, वसई को अप्रोच होते हुए स्टार्टिंग में ये इंक्लाइन आता है। ये बहुत ही इनविजिबल है बट जब आप ये स्टार्ट करते हो आपको पता चल जाता है दिस इज़ नॉट अ ईजी इंक्लाइन, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। ट्राई दिस आउट। सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया है, अब धीरे धीरे थोड़ा ब्राइट हो रहा है, वो स्लोली ग्रेजुअली ब्राइटनेस बढ़ रहा है उसका। सो अभी तक शायद हमने 40 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए है, मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी समथिंग टफ व्हाइल रिटर्निंग। लेट्स सी, सो फार सो गुड। अप्रोचिंग टूवर्ड्स विरार, यहां से 10 किलोमीटर बता रहा है विरार, और मेरे पीछे है यश। वो आगे निकल गया, सॉरी मेरे आगे है यश। जैसे ही आप मुंबई के बाहर निकलते हो यू सी एवरीवेयर लश ग्रीन, ग्रीन माउंटेन्स। भले ही हम बहुत ही ट्रैफिक वाले रोड पे जा रहे हैं बट ये रोड के जो साइड का सीन है दैट इज अमेजिंग। हर जगह पे ग्रीनरी है दैट कीप्स यू फ्रेश एंड मोटिवेटिंग टुवर्ड्स योर 100 किलोमीटर्स। सो गाइस वी आर कंप्लीटेड 40 किलोमीटर्स और संदीप यहाँ से रिटर्न जा रहा है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ही इज़ ऑलरेडी अ गुड राइडर। तो मेरे आजू बाजू का जो नज़ारा है, जो सीन है, दिस इज समथिंग लाइक ओ। और ये कौन आ गया? अद्वैत। व्हाट अ चेस मैन। अभी हम यहाँ तक ही पहुँचे और तू आ भी गया। Hello everyone, how are you? So what a surprise, Advait bhi hamare sath jud gaya hai after 40 kilometers. Wo bahut hi fast hai, he is a fast rider. Guys, jaise vehicle se dhyan rakhna, bahut hi nazdik se gaya ye. These guys are don't have sense. Ki khade hai itna road khali hai fir bhi nazdik se ja rahe hain. So subah humne jo journey start ki thi wo 6:15 ko exact start kiya tha and right now it is around 7:45, yes 7:45, and we have arrived at Virar Toll Naka. So काफ़ी अच्छा जर्नी रहा, बहुत बीच में बहुत ही
अच्छे सीनिक शॉट लेने का टाइम था, बट मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट भी है, टाइम पे घर पे पहुंचना है और थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है. व्हाइल यू आर डूइंग साइकिलिंग, शूटिंग इज ऑल्सो रिस्की. सो गाइज बी केयरफुल. अगर आप उतने प्रोफेशनल राइडर नहीं हो तो वीडियो लेना अवॉइड ही करना. सो टोल नाका तो आ गया है, मुझे लग रहा है आगे ये लोग कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे. सो वी विल हॉल्ट देयर एंड डू सम चिट चैट. यस, ये राइडर्स आगे है ही, तो यहाँ पे ये लोग हॉल्ट किया हुआ है. सो नाउ वी आर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट 50 किलोमीटर्स. सो हैप्पी फेसेस, हैप्पी राइडर्स ऑफ मलाड साइकिलिंग क्लब. भाई खाने का क्या सीन है, खाना है कहाँ पे? गाठियावाड़ी. ओके, सो हम आगे खाने के लिए हॉट लेंगे जहाँ पे फिर से हम चिटचैट सेशन हमारा करेंगे. राइडर्स, बहुत अच्छा लगता है आप काफ़ी सारे काउंट पे निकलते हो राइड करने के लिए, खास करके 100 किलोमीटर्स. तो ये वो एक जॉइंट एफर्ट हो जाता है अगर आप सिंगल निकलते हो 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए. सो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हो आफ्टर सर्टन किलोमीटर्स. बट हाँ, अगर आपके साथ आपके बड़ी राइडर्स हो तो बहुत ही अच्छा लगता है. और ये किलोमीटर्स कैसे ख़त्म होते हैं, फिनिश होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता. किलोमीटर बाय किलोमीटर यू ऑलवेज कीप मोटिवेटेड बाय योर बॉडी राइडर्स. मेरे पीछे काफ़ी सारे बाइकर्स भी हैं, जैसे साइकिल सुबह निकलते हैं वैसे काफ़ी साइकिलिस्ट हैं जो सुबह के टाइम पे निकलते हैं बोरीवली से. आई गेस यहाँ से यू टर्न मार लेंगे वो. नाइस. सो अदरवाइज आफ्टर 50 किलोमीटर्स हाउ यू आर फीलिंग? 65. हाँ, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फिले पार्क. ओके, तो कैसा लग रहा है, आगे जाना है? चलो तो अदरवाइज से मजा आ रहा है तो हम जहाँ पे भी अभी रुकेंगे खाने के लिए वहाँ पे थोड़ा चिट चैट कर ही लेंगे. गाइस आफ्टर लॉन्ग राइड आपको जहाँ पे भी बैठने के लिए मिल जाता है आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना. सोचिए मत कि ये रास्ता है, रोड है या कहीं आप साइड में बैठे हो. मुकेश ने काफी सारा लॉन्ग राइड किया हुआ है. मुकेश कुछ बताओगे कहाँ कहाँ गए हो तुम साइकिल से? स्टार्टिंग पॉइंट तो एमसीसी काफी बढ़िया था, उसी के बाद हम लोग नागपुर टू पुणे, फिर सेकंड अनदर वन अमरावती टू मुंबई, ये सारे महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से हम लोग ने कम्प्लीट किए हुए हैं. तो देखो गाइज हमारे साथ महाराष्ट्र पुलिस के लोग भी है तो हम सेफ है. यस मुकेश, थैंक यू सो मच. आगे भी हम बातें करते रहेंगे. निकलो. सो वी आर लिविंग फ्रॉम यहाँ पे जो है नाकोड़ा जैन दर्शन करके टेम्पल है, वहाँ से हम अभी निकल रहे हैं और आगे सतीवली के यहाँ पे रुकेंगे. मेहुल का टायर पंक्चर हुआ है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ लॉन्ग राइड पे होता ही है आपके साथ. जैसे मेहुल का टायर पंक्चर हो गया, सो देयर इज़ अ टेक्निकल फेल्यूर, तो इट इज़ बेटर टू कैरी एक्स्ट्रा ट्यूब और पंक्चर किट भी लेके चलना. जैसे मेरे पास है, मैंने कैरी किया हुआ है, दिस इज़ माई पंक्चर किट छोटा सा,
और एक्स्ट्रा ट्यूब भी है जो मैंने साइकिल को लगाई है। दिस इज लर्निंग फॉर लॉन्ग राइड। वी आर एट सातिवली, ऑल्सो नोन एज हॉट वाटर स्पॉन्ड। बहुत ही सीनिक है यहाँ का नेचर, और मेरे साथ आप देख ही सकते हो काफ़ी सारे राइडर्स है मेरे पीछे, कुछ लोग मेरे आगे चले गए। अभी तक का जर्नी जो भी था बहुत ही वंडरफुल रहा। बेसिकली क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था, तो क्लाइमेट इज मेन फैक्टर हो जाता है लॉन्ग राइड के बीच में। वी आर एंटरिंग सातिवली टेम्पल। यस, दिस इज आवर फाइनल हॉल्ट, और यहां से हम शायद रिटर्न यू टर्न मार ले। रास्ते में कहीं पे हम खाने के लिए रुकेंगे। सो ऑल राइडर्स आर हियर, मेहुल, विशाल एंड कपिल आर जस्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ टायर पंक्चर। वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बीच में खाने के लिए रुकेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? अद्वैत, ये बताओगे एग्जैक्टली है क्या? दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट मॉनिटर। ओके, तो इसमें आपकी साइकिलिंग करते वक्त आपकी हार्ट रेट का पता चलता है, और आपको बेसिकली आपका परफॉर्मेंस उसके ऊपर आप वेरी कर सकते हो। एंड गाइस, नाउ डेज बहुत सारे हादसे ऐसे भी हुए हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है। सो आई गेस दिस इज वेरी मच यूजफुल गैजेट कि अपना हार्ट रेट अभी क्या चल रहा है। yes. और बॉडी को रेस्ट लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है, या आप हाइड्रेशन कब लेना है आपको। सो दिस विल मोर देन हाइड्रेशन एक बात कह दूं कि क्या है, अपनी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। ओके, सो सपोज मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं जब रेस्ट में हूँ तब मेरी आइडियल हार्ट रेट 70 के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो मैं एफर्ट्स करना शुरू करता हूँ साइकिलिंग में। फर्स्ट टाइम मैं सुबह उठ के जब साइकिल पे बैठता हूँ और 1.5 किलोमीटर का मेरा जो वार्म अप स्टार्टअप होता है, करेक्ट, तो वहाँ पे करीब करीब 140 के आसपास हार्ट रेट पहुँच जाती है। ओके, और जब फुल फ्लेज साइकिलिंग होती है जैसे कि मैं 40-45 के स्पीड पे हाईवे पे चलाता हूँ, ओके, तो दैट टाइम जब ब्रिज चढ़ना होता है या इंक्लाइन स्ट्रेच आ जाता है, पेडल रोड जैसा स्ट्रेच आ जाता है, तब 170-180 के पास आती है। तो आउट ऑफ राइडिंग कंटिन्यूअसली आई कैन से दैट एक 180 का हार्ट रेट मेरी थ्रेशोल्ड है, मतलब 180 के 170 ऊपर अगर गया तो यू हैव टू बी 170-175, हाँ, तो तब मुझे मेरे एफर्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दैट इज कॉल्ड द स्वीट पॉइंट। स्वीट पॉइंट पे जब ट्रेनिंग करते हो तब आपका हार्ट स्ट्रेंथन होता है। ओके, आप जब लिमिट पुश करते हो तब आपका दैट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर योर हेल्थ। ओके, टू ऑलवेज ट्रेन एट अ हार्ट रेट जस्ट बिलो योर थ्रेशोल्ड पॉइंट, व्हिच इज कॉल्ड द स्वीट पॉइंट। वेरी गुड इंफॉर्मेशन अद्वैत। और ये रियल टाइम ट्रांसमिट होते रहता है। अद्वैत के पास इसका एक एप्लीकेशन भी होगा जहाँ पे ये डेटा मोबाइल के कम है, इसके इट्स एंड्रॉइड ऐप, इट्स साइक्लो कंप्यूटर पे। वेरी गुड। तो वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, और जो राइडर्स लॉन्ग राइड करते हैं उनके लिए ये गैजेट बहुत ही यूजफुल है। ओके, चलो, थैंक यू अद्वैत। आफ्टर 50 किलोमीटर्स रिलैक्सेशन लाइक दिस, हॉट वाटर रिलैक्सेशन, यस, इज वेरी एसेंशियल। वाओ, लगा रहा हूँ। आ जाना खाली जहाँ पे तुम्हारा पंचर हुआ ना, उधर से तारी 2 किलोमीटर आगे नाश्ता है। अरे यार, ऐसा नहीं करता था यार। ठीक है, पंचर निकल गया फिर। चलो हम लोग को भी नाश्ता खाने जा, बैठ रहे अभी। पंचर निकल गया ना? पंचर निकला, हम लोग रिटर्न के साइड घूम चुके हैं। विशाल भाई तो आगे भी पहुंचे। अच्छा ठीक है, चलो चलो भाई, राइट सेफ। चलो फिर अपन नाश्ता। या भाई, तो ये था मेहुल का स्टेटस जिसका बीच रास्ते में पंक्चर हो गया था। इट्स नॉट अ इन बिटवीन, उसने 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, और आगे नाकोड़ा जैन टेंपल करके वहाँ पे उसका पंक्चर हो गया था। तो
स्टेटस ले लिया हमने और उसको छोड़ के अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, वो तो रिटर्न चला गया। एंड गाइस प्रवीण होराइजन जरूर सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो।